नर्मदा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर विधायक कमल पटेल ने खनिज अधिकारी की क्लास लगा दी। विधायक ने खनिज अधिकारियों को अवैध उत्खनन तत्काल रोकने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि खनिज अधिकारियों को सरकार तनख्वाह दे रही है, माफियाओं से डरे बगैर उन पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन बढ़ता जा रहा है। हरदा में विधायक कमल पटेल ने अवैध उत्खनन को लेकर खनिज अधिकारियों की जमकर खिंचाई कर दी। पटेल ने खनिज अधिकारी ओपी बघेल और इंस्पेक्टर संजय सोलंकी को आड़े हाथों लिया और नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के निर्देश दिए। कमल पटेल ने खनिज अधिकारी ओपी बघेल से जब अवैध उत्खनन को लेकर सवाल जवाब किए तो उनके जवाब से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके पास खनिज से संबंधित जानकारी ही नहीं है। विधायक ने खुद इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। पटेल ने उन्हें कार्रवाई करने के निर्देश दिए, साथ ही बताया कि जगह जगह रेत के स्टॉक लगे हुए हैं। नर्मदा से नावों के जरिए रेत निकाली जा रही है। ओवरलोड डंपर से सड़कें दम तोड़ रही हैं, जिसके चलते राजस्व की बजाय नुकसान अधिक हो रहा है। खनिज अधिकारी ने बताया कि हमने कई बार निवेदन किया, लेकिन अवैध उत्खनन वाले नहीं मान रहे। इस बात से यह तो साफ है कि खनिज अधिकारी को सारी जानकारी होने के बाद ही अवैध उत्खनन किया जा रहा है और अधिकारी रेत माफियाओं से डर रहे हैं। इसको लेकर कमल पटेल ने कहा कि आप निवेदन नहीं करिए, कार्रवाई करिए। सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आप कार्रवाई करिए, मैं आपके साथ हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।